जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में बुधवार को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इसमें 23.27 लाख वोटर शामिल हुए। दोपहर 3 बजे तक 50.65% वोटिंग हो चुकी है और सबसे ज्यादा 70.03% वोटिंग किश्तवाड़ में हुई है, जबकि सबसे कम पुलवामा में हुई है जो कि 36.90% है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। अलग अलग राज्यों में रह रहे 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल रहे हैं। उनके लिए दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में 24 स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास की लहर आई है वो देखने योग्य है। पहले चरण का मतदान भी जम्मू और कश्मीर के अंदर हो रहा है और जिस प्रकार से लोगों का एक हुजूम आज मतदान करने के लिए निकल रहा है, यह लोकतंत्र के प्रति जम्मू और कश्मीर के लोगों की कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। धारा 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार से लोग आज आगे आ रहे हैं, ये इसका एक नजारा आज हम सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहां प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है, जोश देखा है और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे, उससे पहले जीवन लाल जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहां से कमल खिलने वाला है और जीवन लाल जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले हैं। एक नया इतिहास जम्मू और कश्मीर की जनता रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहां के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं।